तो ये जो पुल वाली बात है ये पूरा सही है, ये पूरा पुल वाला बात सही है, इससे अंग्रेज हार गया था। अच्छा जी, और आरएसएस वालों ने अपना जिला भी घोषित कर दिया है। अच्छा, आरएसएस वालों ने क्या घोषणा, नदी जहाँ पे भगवान राम रुके थे जी जी, वो जी नदी अभी आकर के यही मिलने वाली है। अच्छा, यहाँ अब उसको काट देंगे। अच्छा जी जी, श्री महाकाल हरण महादेव सदा राज करो, खूब लंबी उम्र जी। बिल्कुल, बहुत बाराबंकी का पुराना नाम जसनौल था, जिसे राजा जसपासी ने बसाया था, उन्हीं के नाम से जसनौल पड़ा, जो जरवल के राजा कहलाते थे। उन्हीं के वंश में एक राजा हुआ जिनका नाम बाराबासी था, और उन्हीं के नाम से बाराबंकी पड़ा, कुछ साक्ष्य ऐसा भी कहते हैं। और यह है ब्रिटिश गजेटियर का कुछ भाग, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि बाराबंकी और सीतापुर में पासी जो है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे और ओरिजिनल लॉर्ड थे, यानी आज से 1000 साल पहले यहाँ पर पासियों का शासन था और इसे पासियों ने बसाया था। इसके बाद में मैं उस पुल पे खड़ा हूँ जहाँ रामसैनी घाट पड़ता है। यह पुल अंग्रेजों के समय का है और अंग्रेजों के समय का यह पुल एक अलग कहानी बताती है जो यहाँ के लोगों से जानेंगे। तो इस नदी पर बने इस पुल की बड़ी रोमांचक कहानी है, और कहानी ये है कि जो है कहते हैं कि इस यहाँ पर जब पुल बनाया जा रहा था तो पुल आप देखेंगे सड़क सामने से आया है, पुल जो है तिरछा है, वो जो पुल है वो उस रास्ते को निकलना चाहिए था, ये सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन ये जो पुल है ये टेढ़ा है। तो यहाँ की एक कहानी बताई जाती है, कहा जाता है कि जब अंग्रेज इस पुल को बना रहे थे, सुबह बनाते और शाम को यह पुल गिर जाता था, जहाँ पे सुबह ये बन रहा था और शाम तक पुल ये गिर जाता था। तो कहानी ऐसी कही जाती है कि फिर वो पुल उधर ना बना के फिर उसको टेढ़ा कर दिया गया है। तो ये जो कहानी वहाँ से पुल जाती है और सीधे निकल जाती है, इसकी ये कहानी है। तो ये जगह है, ये रामसनी घाट जगह कहा जाता है, और रामसनी घाट एक बाबा थे यहाँ पे कभी। बाबा कुछ जानकारी देंगे? अच्छा, इस पुल के बारे में क्या कहानी है? बस हम तो थोड़ा जल्दी में थे, अगर कुछ 2 मिनट चाहिए आपका। ये हमारे पूर्वज थे बाबा राम, इधर आइए, इधर थोड़ा सा खड़े हो जाइए। ये हमारे पूर्वज थे बाबा राम सनेही महाराज, जिन्होंने जिंदी समाधि ली थी। अच्छा, थोड़ा इधर आइए, किनारे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और पूर्वज से हमारे बाबा कैलाश भारती ने, अच्छा इधर खड़े, लोगों ने जिंदी समाधियां ली थी। अच्छा एक मिनट, तो ये बाबा मुझे ये जानकारी दीजिए कि रामसनेही घाट बाबा काफी फेमस है यहाँ पे, तो ये जो यहाँ इनके बारे में क्या जानकारी मिलती है बाबा रामसनेही घाट? बाबा रामसनेही की जानकारी ये है कि बाबा रामसनेही एक जिंदा समाधि है। अच्छा, ये जिंदा समाधि है जो कि यहाँ बहुत पहले 1000 साल पुरानी बात है। अच्छा, ठीक है, 1000 साल पुरानी बात है जी। तो जब ये नेशनल हाईवे निकल रहा था तो अंग्रेज साहब आए थे, सोमियर साहब। अच्छा, सोमियर नाम था। जब ये ब्रिज का निर्माण करा रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये 4 कोठियां यहाँ पर मौजूद है, भी नदी घट जाएगी जब गंगा घट। अच्छा, जाएंगी। अच्छा, तो 4 कोठियां अंग्रेजों की बनवाई। अच्छा, नीचे जी जिन पे पुल बनाया जा रहा था तो उधर बाबा का मंदिर आ रहा था। अच्छा अच्छा, समाधि स्थल। हाँ हाँ, तो समाधि स्थल आ रहा था, इसलिए जितना दिन में कार्य होता था रात में अपने आप गिर जाता था। यही कहानी अभी हम चर्चा ही कर रहे थे, चलिए आप आ गए, ये जानकारी हमको मिल गई। उसके बाद इसके बगल में बनाना शुरू किया, इधर भी 4 कोठियां मौजूद है आज भी, साक्षात आप देख सकते हैं। अच्छा, जब पानी कम होगा तब दिखाई देगा वो। पानी कम होगा तो अच्छा, वो बाहर आ जाती है। अच्छा, चैत बैसाख में जी। अच्छा, उसके बाद अंग्रेज यहाँ पता किया तो पता लगा कि पुख्ता जिंदा समाधि यहाँ बाबा राम से नहीं की है। अच्छा, तो वहाँ जाके उसने उस समाधि, कच्चा चबूतरा था, समाधि कच्ची थी, उठा के बाहर फेंक दिया। अच्छा, पलंग डाल के लेट गया। अच्छा, पलंग आपसे आप पलट गया तब आकाशवाणी हुई कि मैं बाबा राम से नहीं, मेरी जिंदा यहाँ पुख्ता समाधि। अच्छा, और यहाँ से अपना तू रोड हटा ले, वहाँ पर मेरे गुरु की तपस्वी भूमि है। अच्छा, उनकी वाणी सुनकर अंग्रेज ने वहाँ से गांव के पास से रोड को पूरा घुमा दिया। अच्छा, तब ये तिरछा है पुल जी।
अब आप वहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ये घूम करके ये जो तपस्वी भूम है, हाँ हाँ, जंगल में जहाँ हम अभी पूजा करने जा रहे हैं वहाँ भी जिंदा। अच्छा, यहाँ पे कुछ घर है? घर नहीं, ये मठ है पुराना। अच्छा, ये मठ था जी। तीन मतलब हमारे यहाँ करीब 11 पीढ़ियों से, अच्छा, पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ना कोई संत ही हुआ, जैसे अभी हम त्याग करके अघोर क्रिया कर रहे हैं शमशान में। अच्छा, ये चीजें बहुत सी। अच्छा बाबा, ये कहते हैं कि यहाँ 57 की क्रांति भी हुई थी, तो यहाँ पे कुछ गदर भी हुआ था, अंग्रेजों की कुछ लड़ाई हुई थी, तो कुछ उसकी जानकारी है आपको? नहीं, उसकी जानकारी तो हमें नहीं है। अच्छा, लेकिन फिलहाल ये जानकारी है कि जब अंग्रेज यहाँ से हार गया बाबा रामसनेही से, अच्छा, ये बिना कोठियों के पुल खड़ा हुआ है। अच्छा, बिना कोठियों के पुल तब ही खड़ा हुआ? हाँ, ये नीचे जैसे पहले कोठी गला रहे थे, अच्छा अच्छा, वो छोड़ करके ऐसे ही खम्भे पे पुल। अच्छा, यानी कि यहाँ जब पानी कम हो जाएगा, पुल में न सीमेंट है, अच्छा, न सरिया है, न गिट्टी है, न मोरंग है। अच्छा, ये सीमेंट बेल का गूदा, राबिस, सुर्खी, चूना। अच्छा, बेल का गूदा, सुर्खी, सुर्खी, राबिस, राबिस, चूना और राल, इसके द्वारा ये बनाया गया। अच्छा, टाट का पुल है, टाट का पुल है। ये बाबा रामसनेही की कृपा से खड़ा है। बिना सरिया के पुल बना है ये बाबा रामसनेही की उत्पत्ति का ये सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद हमारे पूर्वज बाबा राम नारायण भारती जी ने बाबा रामसनेही का मंदिर बनवाया। अच्छा, ये जो यहाँ पे बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। अच्छा, जो अभी 104 साल के होके ब्रह्मलीन हुए हैं। अच्छा अच्छा, उन्हीं के साथ में बचपन से था, लेकिन मेरी क्रिया अलग है। मैं बाबा बम्बरनाथ जी जो हैं, बम्बमनाथ जी, जी जी जी, महाकाल उज्जैन जी जी, हमारे महागुरु हैं। अच्छा अच्छा, मैं अघोर क्रिया, वो शमशान है वहाँ पर, मैं उसी शमशान में रहता हूँ। जा रहे हैं वहाँ पर पहली बार तीन पीढ़ी में, अच्छा, शिवलिंग की स्थापना हुई है शिवरात्रि। अच्छा, शिवरात्रि को शमशान में, शमशान में ये सबसे बड़ा शमशान है। उसके बाद अंग्रेज ने जब पहला रजिस्टर बनाया, अच्छा, तो रजिस्टर में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील रामसनेही घाट, हाँ, रामसनेही घाट तहसील सबसे बड़ी तहसील बनी, पहली तहसील है, पहली तहसील है इन्हीं के नाम से, इन्हीं के नाम। फिर उसके बाद जितना इन बनता गया, कोतवाली, हाँ, रामसनेही घाट, पोस्ट ऑफिस रामसनेही घाट, ब्लॉक रामसनेही घाट, यहाँ तक कि आज कोई मुस्लिम भी अगर अपनी दुकान खोलता है जी, तो उसके नीचे भी उसको लिखना पड़ता है, दुकान हमारी है कहाँ, रामसनेही, रामसनेही घाट। हाँ, सही बात। और धीरे धीरे हम लोगों ने, हमारे बाबा ने जी, मेला जी, का प्रचार किया, मंगलवार, हाँ, मेले का, हाँ, आज लाखों लोगों की भीड़ लगती, हाँ, है, भीड़ तो लगती है। और चैत्र रामनवमी में कार्तिक पूर्णिमा को जी, बहुत जी, बड़ा मेला लगता है। अच्छा, अच्छा, साल अच्छा, में दो मेला। अच्छा 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 अच्छा, ये कहानी यहाँ की है। और हम लोग मठधारी हैं, अच्छा, हमारे पूर्वज हैं बाबा रामसनेही महाराज। अच्छा, आप लोग उन्हीं के वंशज हैं जी। अच्छा, ये जो हमारे पूर्वजों ने ही मंदिर बनाया। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, क्योंकि हम लोग चर्चा ही कर रहे थे, आप अचानक से गुजरे, तो हमने कहा जरिए आपसे जरा पूछ लेते हैं, आपने बहुत पूरा इतिहास बता दिया। आप आएंगे तो यही हमारा आश्रम है, जो शनिवार और सोमवार बड़ी भीड़ होती है। अच्छा अच्छा, तीसों जिला से लोग आते हैं। हाँ हाँ हाँ, जो सेवा किया जाता है जी जी जी, शांति सेवा आश्रम है। हाँ हाँ, ओम, पहले ओमकार बैठे, आएंगे आप, आपको ओमकार मिलेंगे भोलेनाथ, फिर आपको शांति मिलेगी, फिर हम सेवा करेंगे। अच्छा 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 अच्छा, ये शांति सेवा आश्रम है। अच्छा अच्छा, जो निरंतर दो साल से चल रहा है जी जी जी, अभी जी, तक कम से कम 40,000 हिंदुओं की पूजा करा चुका हूँ। अच्छा अच्छा, पूजा और हवन। अच्छा 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 अच्छा, और करीब 7,500 लोग दारू पीना छोड़ चुके हैं। अच्छा, यानी कि आप समाज सेवा कर रहे हैं। बड़ी बड़ी साहब, और दो बेटियों की शादी हो चुकी है। अच्छा, और दो साल से लॉकडाउन में निरंतर भंडारा यहाँ चल रहा है। अच्छा अच्छा, कोई भूखा प्यासा बेसहारा गरीब असहाय आ जाए वो ऐसे न जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, अभी तो हमारे पास 2500 जिला से लोग आते हैं जी जी जी। अभी सोमवार होना शुरू हो गई, सोमवार को होता है, सोमवार और शनिवार, शनिवार मुर्दा की भस्म लगती है हमको डायरेक्ट चिता से। अच्छा, तो यानी कि मुर्दा की भस्म आप लगाते हैं जी। अच्छा, ये बात है। और जैसे कोई लाश वास आया, जानते हो, कोई 25 महला भी बनाया, आखिरी में 25 रुपए की मलिया मिलती है। हाँ हाँ, सही, उसी में लेके चले जाते, बाकी छोड़ देते हैं। अच्छा, तो उनको हम स्वेच्छा से उठा के गंगा में डालते हैं, फिर उनका भस्म हम खुद लगाते हैं। अच्छा अच्छा, महाकाल की पूजा करते हैं, बाबा रामसनेही की पूजा। जी जी जी, क्योंकि हम बचपन से जब जाते थे, जब पहले तो वो हाईवे था नहीं, तो हुआ क्या था कि जब एक कहानी हमेशा ये सुनते थे कि बाबा रामसनेही घाट का ये पुल है। नहीं, ये जल कम हो जाएगा जी, तब आएंगे आप साक्षात प्रमाण देख पाएंगे कि आपके पास अंग्रेजों की बनवाई कोठियां जिसपे पुल नहीं रुका। अच्छा, दिन में जितना कार्य होता था रात को गिर जाता था। अच्छा, रात में गिर जाता था जी, वो आप देख पाएंगे, आपको साक्षात प्रमाण दिखाई देगा। जी 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 जी, तो ये कहानी सुनते थे बचपन से, हमने कहा चलो आज गुजर रहे हैं तो थोड़ा कुछ शूट कर ले, तब तक आप गुजर रहे थे, हमने कहा चलिए आपसे कुछ पता ही कर लें। बाबा जी थे जो 104 साल के होके ब्रह्मलीन हुए, बाबा राम नारायण भारती जी महाराज। अच्छा अच्छा, तो हमको बचपन से अपने साथ रखे थे। हाँ हाँ, अभी हमने गुरु करके, हमारे गुरु है श्री रुद्रनाथ जी महाराज, लेकिन महागुरु है बम्बमनाथ जी उज्जैन। अच्छा अच्छा, महाकाल जो भस्म आरती करते हैं। तो ये जो पुल वाला, जो पुल वाली बात है, ये पूरा सही है? ये पूरा पुल वाला बात सही है, इससे अंग्रेज हार गया था। और आज जिस चबूतरे पे हम लोग बैठ के प्रसाद चढ़ाते हैं, अंग्रेज का ही बनवाया हुआ है। अच्छा जी, वो बनवा के उतना गए थे, उनका नाम था सोमियर साहब। अच्छा, जिनके नाम से सुमेरगंज बसा हुआ है।
अच्छा, सुमेर के नाम से सुमेरगंज बसाया? सुमेरगंज उन्होंने बसवाया, सबसे पहले सुमेरगंज में लाए थे पदुम को। अच्छा। और जो है पदुम जैन थे जी, और यहाँ हथौंदा की रानी। अच्छा, हथौंदा की रानी। हाँ, उनको अच्छा। दिया था, गेट वोट बनवा के उन्हीं को बेच दिया। अच्छा, ये बात है। बाद में अंग्रेज चले गए, फिर धीरे धीरे जितना यहाँ कार्य होता गया सब बाबा के नाम से। अच्छा होता रहे, बहुत सही। तो बहुत अच्छी जानकारी यहाँ से मिली। अब नगर पंचायत भी हो गया है। अच्छा जी। और आरएसएस वालों ने अपना जिला भी घोषित कर दिया है। अच्छा, आरएसएस वालों ने क्या घोषित कर दिया अपने जिले को? मतलब ये सबसे बड़ी तहसील थी रामधनेगा, जब मायावती जी आई। हाँ। तभी लोहिया पुल तक था। हाँ, हाँ, वो काट के यहाँ से कर दिया, जहाँ आप खड़े हैं आप। हाँ। बीचों बीच बॉर्डर पे खड़े हैं। हाँ, वो मवई भी उधर कर दिया। अब इसके जस्ट आप बगल जाएंगे आप मवई पहुँच गए। यहाँ से स्कूटी तक जाएंगे आप रामसनेही घाट में। सही बात है, बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े, बॉर्डर पे खड़े, ये नदी पूरी बॉर्डर ही बन गई है। और वो जो तमसा नदी जहाँ पे भगवान राम रुके थे जी जी, वो नदी अभी आकर के यही मिलने वाली है। अच्छा, यहाँ अब उसको काट देंगे। दौली से मानीगंज से आ रही है सीधे। अच्छा, तो यानी इसको तो इसी में मिलाएंगे। यानी अच्छा। सरयू और तमसा और कल्याणी का मिलन। अच्छा, साथ में हो गया। यहाँ साथ में मिलन होगा। हाँ, होने जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया दादा, आपसे बाबा जी बहुत अच्छी जानकारी मिल गई। और अच्छा सोम, अच्छे जी जी, श्री महाकाल हर हर महादेव, सदा राज करो, खूब लंबी उम्र जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद आपका हमारे साथ रहे, बना रहे। बिल्कुल आइए जी, अभी भी आइए तो थोड़ा सेवा का मौका दीजिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग अघोरी हैं जी। अरे जी बिल्कुल, आप ही की वजह से संसार में टिका हुआ है। आप अंधेरे में पड़े हैं तो गला भी कट जाए, लेकिन आपको निकालने का बाहर जिम्मेदारी। बिल्कुल बिल्कुल, ये महाकाल ने दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, जय श्री महाकाल, जय हर हर महादेव। तो ये सारी जानकारी दोस्तों आप देख रहे हैं, तो फिलहाल ये बहुत अच्छी जानकारी मिली यहाँ से बाबा जी की वजह से। तो अब आपको फिर हम आगे फिर दिखाएंगे, और जब यहाँ पे मेला या भीड़ लगेगा तो और दिखाते रहेंगे आपको हम। ये है रामसनेही घाट का मंदिर। क्यों भैया, यही रामसनेही घाट का है? अच्छा, ये बाबा राम से नहीं है? अच्छा, तो कितने दिन लगता है यहाँ पे? मंगल लगता है, सोमवार शनिचर सुना है, सोमवार शनिवार ना। अच्छा अच्छा, यानी कि मंगल। अच्छा, तो दोस्तों ये देखिए, ये है एक प्रसिद्ध मंदिर, अगर देखा जाए बाराबंकी में काफ़ी प्रसिद्ध है राम से नहीं बाबा के नाम से ये सामने। और ये राम से नहीं घाट तहसील पड़ती है, और ये सामने इधर कल्याणी नदी है, और जिनके बारे में जानकारी आप अभी आगे देखे थे ये उन्हीं का यहाँ पे मंदिर स्थापित है। और यहाँ बहुत सारी भीड़ लगती है सोमवार शनिवार मंगलवार के कहते हैं तो। और बाबा ने जो जानकारी दिया बहुत बढ़िया जानकारी दिया। चलिए फिर दोस्तों आपको फिर आगे की कड़ी में दिखाएंगे, दिखाते रहेंगे। ये हमारा रामसनेही घाट है।